इंग्लैंड का एक 49 ईयर्स ओल्ड इंजीनियर माइकल क्लेस्टर, उसका नाम, उसका भरा पूरा परिवार, पत्नी दो बच्चे, इतना ही परिवार था। एक दिन अपने ऑफिस जा रहा था, कार से हेड ऑन कोलिजन हो गया, माने सामने से टक्कर हो गई। वो टक्कर इतनी ज्यादा हुई, जोर से हुई कि वो दो दिन तक बेहोश रहा। दो दिन के बाद जब होश आया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपका एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, ब्रेन का बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं है और जीवन भर ऐसे ही रहना पड़ेगा आपको। भारत का नागरिक होता तो सोचता, अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ब्रिटेन का नागरिक है, अभी भी है वो। उसने सोचा ठीक है, मेरा ब्रेन का बॉडी पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन इस अवस्था में भी दो चीजें हैं मेरे पास जो बराबर काम कर रही हैं। एक, मैं सबको देख रहा हूं, और दूसरा, मैं ठीक से सांस ले रहा हूं। ये दो चीजें अभी भी मेरे पास ठीक काम कर रही हैं। उसने डीप ब्रीदिंग शुरू की, अपने डायफ्राम पर कॉन्सेंट्रेट किया। वो लेटे लेटे उसको ध्यान में आया कि डेढ़ दो महीने के बाद कुछ एनर्जाइज अनुभव करने लगा। उसका लगा ये कुछ रास्ता हो सकता है, एनर्जी आने लगी लेटे लेटे। तो उसने प्रयोग के तौर पर एक एक्सपेरिमेंट किया कि लेटे लेटे विजुअलाइज किया कि उसका सिर है, एब्डोमिन है, पैर है, पैर के पंजे हैं, उंगलियां हैं, अंगूठा भी है। वो डीप ब्रीदिंग करता रहता था, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन डोज पर था सर। तीन महीने लगातार प्रयत्न करने के बाद वह उन पैर के अंगूठों को हिलाने में सफल हो गया। तो उसने और एक प्रयोग किया कि कंसंट्रेशन लेवल अब पैर की उंगलियों पर बढ़ा दिया। दो महीने लगे, उनको भी हिलाने लगा, उसको रास्ता मिल गया। वो एक के बाद एक 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 करके कंसंट्रेशन बढ़ाता गया। तीन साल लगातार प्रयत्न करने के बाद वे हमारे आपके जैसे एक सामान्य व्यक्ति के समान खड़ा हो गया, ठीक वैसे ही जैसे एक सामान्य व्यक्ति रहता है। कौन? जिसको डॉक्टर्स ने कहा कि आपको जीवन भर ऐसे ही रहना पड़ेगा, आपका ब्रेन का बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं है। वह मोटर कार रेसर ड्राइवर था, वो प्रतियोगिता में जीतना चाहता था, उसने भाग लिया, प्रतियोगिता जीती, पुरस्कार भी प्राप्त किया। कंसिस्टेंट एंड कंसंट्रेटेड एफर्ट्स लीड्स द बेटर रिजल्ट्स। हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्वप्न हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है हमारे सामने। हमारे सामने 10 कठिनाइयां भी हो सकती हैं, कुछ सुविधाएं होंगी, कुछ नहीं भी होंगी। जो नहीं है उनकी चिंता मत करिए, उनकी चर्चा मत करिए। मेरे पास लैपटॉप पुराना हो गया, मोबाइल पुराना हो गया, मेरे घर में ये असुविधा है।